स्वागत है आपका। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में ईडी अधिकारी बनकर एक व्यवसायी के कार्यालय पर छापा मारने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि ये दो लोग ईडी के अधिकारी बनकर पहुंचे थे एक व्यवसायी के कार्यालय पर छापा मारने के लिए, और अब इस आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बिजनेसमैन के दफ्तर पर छापा मारा ईडी के अधिकारी बनकर मुंबई में, और अब दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सृष्टि इस वक्त जुड़ चुकी है। सृष्टि, ये आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के अधिकारी बनकर ये दो लोग एक बिजनेसमैन के ऑफिस जाते हैं, छापा मारते हैं, कौन है ये लोग? जी बिल्कुल, ये ऐसी खबर आ रही है कि दो लोग जो अभी पकड़े गए हैं, पर इस गुट में जो है चार लोग जो इस बिजनेसमैन के ऑफिस में गए और उन्होंने जो है बताया कि हम ईडी ऑफिसर्स हैं और रेड की पूरे उनके ऑफिस में, और जिसमें से उन्होंने 25 लाख की जो है कैश ली, 3 किलो का जो है वो सोना, जो उसकी कुल मिला की जो कॉस्ट है वो 1,70,00,000 के लगभग कॉस्ट है, वो एग्जैक्टली आई है और ये पूरी अमाउंट जो लेके वो फरार हो गए। तो इस मामले में अभी एल्टीमास पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज है। दो लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पुलिस छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेके जो है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर इस गुट में जो है वो चार लोग मौजूद थे जो बिजनेसमैन की ऑफिस में गए और ये जो रेड है उसको कंडक्ट किया। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही वो और दो लोग जो है वो हिरासत में होंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सृष्टि इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी मिल रही है कि इस मामले में चार लोग थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे दो लोग ही चढ़े हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। दूसरे दो लोगों की तलाश जारी है। और